यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक में ऑडियो टेप पर घमासान जारी। जेडीएस के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर 10 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने का आरोप लगाया, कहा मोदी शाह डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में शिलांग में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ शुरू। पूछताछ से पहले कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर रहे नागेश्वर राव की पत्नी से कथित तौर पर संबंधित कंपनी पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की आज तीसरी बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी। वाड्रा के जवाबों से ईडी अब तक संतुष्ट नहीं। हरियाणा में आईएनएलडी को बड़ा झटका। बीएसपी ने आईएनएलडी से 9 महीने पुराने गठबंधन को तोड़कर राजकुमार सैनी की पार्टी एलएसपी से हाथ मिलाया। राजस्थान में आरक्षण की मांग के लिए दूसरे दिन भी गुर्जर आंदोलन जारी। रेलवे ट्रैक पर अलाव जलाकर बैठे आंदोलनकारी। दूसरे दिन 14 ट्रेनें रद्द, 4 ट्रेनों का रूट बदला। देश भर में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला जारी। अब तक 250 लोगों की मौत। अकेले राजस्थान में इस साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जांच के लिए केंद्र ने गुजरात और पंजाब में टीमें भेजी। मध्य प्रदेश में गौहत्या पर एनएसए लगाने पर अपनों से घिरी कमलनाथ सरकार। अब चिदंबरम ने भी कहा फैसला गलत था। और हैमिल्टन के सेडन पार्क में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मैच। 2-1 से सीरीज जीतने के लिए उतरेंगी दोनों टीमें।